What does the question read? A bar cross B bar is pure ka square plus A bar dot B bar इसका square is equal to what? ये आपका question है कि A vector और B vector का cross product का square प्लस ए वेक्टर और बी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर क्या होगा इज योर क्वेश्चन. आ रही है समझ में? अच्छा, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे, व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार? ए बी साइन थीटा यू कैप का स्क्वायर. ए बी साइन थीटा यू कैप का स्क्वायर प्लस व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? तो ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर. डू यू गेट इट? ये तो आपका क्वेश्चन था ना, ए बार क्रॉस बी बार का स्क्वायर प्लस ए बार डॉट बी बार का स्क्वायर कितना होगा निकालो. तो सॉल्व करें तो ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है? ए बी साइन थीटा यू कैप. क्यों इस बार यू कैप लिखा? अगर उन्होंने ऐसा लिखा होता ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड मॉड मेंशन किया होता तो मैं यू कैप नहीं लिखता. बट ऐसा तो नहीं है ना क्वेश्चन में. आ रहा है आपको समझ में? और पास में क्या लिखा था? ए बार डॉट बी बार. ए बार डॉट बी बार क्या होता है? ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर. डू यू गेट इट? चलो, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू कैप का स्क्वायर. डू यू गेट इट? प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. डू यू गेट इट? ये जो चीज़ है ना, यू कैप का स्क्वायर इज गोइंग टू बी वन. व्हाई? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ इट्स ओन. तो यू कैप मतलब क्या? ये तो डायरेक्शन दे रहा है, यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो वन. अगर इसका मैग्नीट्यूड है वन, तो वन का स्क्वायर क्या होगा? तो दिस यू कैप का स्क्वायर विल बिकम व्हाट? टेल मी. अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो फिर उस हिसाब से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू वन. आंसर क्या आया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर. विच ऑप्शन? सी. विच ऑप्शन? सी. डिड यू गेट इट? यस. आ रहा है समझ में?